नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूँ। दोस्तों, हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। जी हाँ, हेबियस कॉर्पस के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक मूवी आती है जिसका नाम है जय भीम। इस जय भीम मूवी में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। उस मूवी में एक संगिनी नामक महिला होती है जो अपने पति को न्याय दिलाना चाहती है, और वहां पर ये वकील, जी हाँ, जो ये वकील को आप देख पा रहे हो, ये वकील वहां पर पिटीशन दर्ज करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के माध्यम से, और यहां पर ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से यहां पर गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं, और गिरफ्तार किया है तो उसको न्यायालय के सामने उपस्थित करवाया जाए। और इसी रीट के माध्यम से, जी हां, अनुच्छेद 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में हमको एक रीट मिलती है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसी रीट के माध्यम से यहां पर ये वकील उस संगिनी नामक महिला को न्याय दिला पाता है। तो आखिर इस रीट की इतनी महत्ता क्यों बढ़ जाती है? तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 में, जी हां, संविधान के भाग 3 में हमको देखने को मिलते हैं मौलिक अधिकार। इन्हीं मौलिक अधिकारों में दोस्तों वर्णन है अनुच्छेद 32 में। जी हां, अनुच्छेद 32 में हमको देखने को मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमको 5 तरह की रीट मिलती है देखने को, और उसी 5 तरह की रीट में एक रीट देखने को मिलती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, इस रीट ने बहुत ज्यादा यहां पर प्रासंगिकता प्राप्त करी थी इस मूवी के माध्यम से। तो चलिए हम ये बंदी प्रत्यक्षीकरण भी समझेंगे, साथ ही साथ पूरा अनुच्छेद 32 में आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं यहां पर कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या है, साथ ही साथ अनुच्छेद 32, ठीक है, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे ये दोस्तों वहां पर मूवी का सीन है, यहां पर यहीं पर दोस्तों ये वकील यहां पर क्या दर्ज करता है, भाई रीट के माध्यम से यहां पर अपनी पिटीशन दायर करता है। अब सुनना, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, कि को प्रस्तुत किया जाए, कि बंदी को क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। इसके तहत अदालत उस व्यक्ति को, सुनना ध्यान से, अदालत कोर्ट उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को कहां लिया है, हिरासत में लिया है, उसको आदेश जारी करती है, यानी जिसको बंदी बनाया है जिस व्यक्ति ने, उसको आदेश जारी करती है कि उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। किसके सामने? कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने आदेश, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का क्या देता है, भाई आदेश देता है। कौन सी रीट के माध्यम से? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के माध्यम से। एक बार फिर सुनना, यह जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रीट उस व्यक्ति को आदेश देती है जिसने किसी व्यक्ति को क्या कर रखा है, गिरफ्तार, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कहा जाता है कि आपने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो इसको कहां प्रस्तुत करो, न्यायालय के सामने। किस रीट के माध्यम से? बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। अब बात करूं मैं, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मैंने आपको अर्थ समझाया है कि इस रीट के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। अब समझना बात ध्यान से कि इसके बाद होता क्या है, इसके बाद अदालत हिरासत के कारण कि भाई आपने क्यों उसको गिरफ्तार किया, उसका कारण बताओ, और वैधता की जांच करती है। यह रीट मनमानी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक रक्षा कवच के रूप में, यानी व्यक्ति यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक गरिमापूर्ण जीवन जी सके, उसको जबरदस्ती गिरफ्तार ना कर सके, या जबरदस्ती गिरफ्तार ना रख सके, या नजरबंदी से बचाने के लिए इस प्रकार की रीट का उपयोग किया जाता है। इस रीट को सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्ति, सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, सार्वजनिक अधिकारों के साथ निजी व्यक्तियों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, भाई इस रीट के माध्यम से। अब सुनना, अब यह रीट कुछ अवस्थाओं में जारी नहीं होती है, कुछ केस में या कुछ जगहों पर यह वाली रीट, सुनना ध्यान से, कुछ जगहों पर यह वाली रीट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं की। कब नहीं? जब व्यक्ति क्या को क्या कर हो, जब उसकी व्यक्ति की गिरफ्तारी लीगल हो, वैध हो।
कार्यवाही एक विधानमंडल या अदालत की अवमानना के तहत हुई हो, गिरफ्तारी किसी सक्षम न्यायालय के तहत हुई हो, गिरफ्तारी न्यायालय के न्याय, यानी इतनी कंडीशनों में उसके खिलाफ रिट जारी नहीं की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया ही था यहां पर कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, कौन सा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यहां पर रिट जारी करेगा भाई, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह रिट जारी करने का अधिकार है। तो यह रिट आखिर कौन कौन सी, एक बार यहां पर हम समझते हैं। पहले यही दोस्तों हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जी हां बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी यहां पर मिलती है हमको मैंडमस, कौन सी मैंडमस, परमादेश, क्या नाम से भाई, परमादेश। तीसरी मिलेगी हमको प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, क्यूओ वारंटो, अधिकार पच्छा, और सर्टियोरेरी उत्प्रेषण, इसका नाम क्या है, उत्प्रेषण, समझ लो भाई क्या नाम है, उत्प्रेषण। अगर मैं बात करूं यहां पर क्यूओ वारंटो की, किसकी बात करूं, क्यूओ वारंटो की, तो कौन सी आएगी, अधिकार पच्छा, यहां पर ये कौन सी भाई, अधिकार पच्छा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, कौन सी दोस्तों हिंदी में अगर बात करें, प्रतिषेध, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको थोड़ा दिख रहा होगा यहां पर। मेंडमस, परमादेश, कौन सी भाई, परमादेश, यहां पर कौन सी जारी की जाएगी, परमादेश। और हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी आप लोग यहां पर ये रिट समझ पा रहे होंगे भाई, अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी की जाती है। तो पहली तो हमने समझ ली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अवैध रूप से गिरफ्तारी को यहां पर रोकती है। अब अगली कौन सी है, परमादेश। तीसरी कौन सी है, प्रतिषेध। चौथी कौन सी, अधिकार पच्छा। और लास्ट कौन सी, उत्प्रेषण, कौन सी है, उत्प्रेषण। मैंने यहां पर इंग्लिश लैटिन वर्ड भी लिखा है और हिंदी हिंदी भाषा में भी समझाने का प्रयास किया है। अब समझते हैं इन पांचों रिटों को एक एक करके। और यहां पर अगली रिट कौन सी आ जाती है मेरे दोस्तों, परमादेश। समझना परमादेश क्या बोलता है, यह इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि उस कार्य को करे जो उसके अधिकार के अंतर्गत आते। परमादेश मेंडमस की अगर मैं बात करूं, यह तब जारी की जाती है और इसके तहत कहा जाता है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में है वही कार्य करे, इसके अलावा कार्य ना करे, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है दोस्तों रोकना, क्या रोकना, प्रोहिबिशन, ठीक है। इसके माध्यम से न्यायालय, ठीक है, पहली बात तो ये कैसी रीट है, एक प्रकार की न्यायिक रीट है, ठीक है। यह एक न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। यानी अगर मैं बात करूं उच्चतम संस्था के द्वारा, किसके द्वारा, उच्चतम संस्था के द्वारा उच्च संस्था को जारी की जाएगी और कहा जाएगा कि उच्च संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य ना करे, ठीक है। और परमादेश में कहा जाता है उस अधिकारी को कहा जाता है कि उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र में आता है, ठीक है, उसके कार्य क्षेत्र में जो काम आता है वो करे। इस किसके तहत मेरे दोस्तों, परमादेश के तहत। और प्रतिषेध के तहत कहा जाता है कि यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य अगर करता है तो उसको क्या करता है, रोकता है। यानी यह रीट में जो निचला है, ठीक है, जो निचली संस्था है उसको बोलती है कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जितने कार्य आते हैं वही करे, उससे बाहर जाकर कार्य ना करे। देखो लिखा है इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है, ठीक है, प्रोहिबिशन, मेंडमस, ठीक है। दो रीट देखिए अपन ने यहां पर, अगली रीट देखते हैं, सर्टियोरेरी उत्प्रेषण, जी हां सर्टियोरेरी उत्प्रेषण। यह रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है, जारी की जाती है और अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यानी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाएगी, ठीक है, या न्यायिक निकाय को जो अपनी अधिकारिता का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उसको रोकने के उद्देश्य से यह जारी की जाती है, सर्टियोरेरी। और लास्ट है दोस्तों क्यूओ वारंट, कौन सी, क्यूओ वारंटो, जिसको आप जानते हो अधिकार प्रच्छा के नाम से, किस नाम से जानते हो, अधिकार प्रच्छा के नाम से इसे आप यहां पर
जानोगे दोस्तों, ठीक है। क्यों वारंट, अगर मैं बात करूं, यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है, कि आपने किस अधिकार से यह कार्य किया है उसके लिए यह कौन सी रीट जारी की जाती है, अधिकार प्रच्छा। तो दोस्तों आप लोगों ने कितनी रीट देखी, यहां पर 5 प्रकार की रीट समझी है, परीक्षाओं में भी यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कई सारे प्रश्न हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये मैंने 5 रीट समझाने को आपको प्रयास किया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां पर चीजें समझ में आई होगी। अब आपको यहां पर बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, प्रश्न सुनना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, ये आपको उत्तर यहां पर देना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।